मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, हो कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, अपना है या है बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो, देखे दूर दूर से यूं ही घूर घूर के, उससे कहो मेरी नींद न चुराए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। Hey guys, वेलकम बैक टू माई चैनल, हॉय चैनल। तो जी हम आ गए हैं। एक्चुअली क्या है कि हाँ, आज ना हमको किसी ने जन्मदिन का विश कर दिया, जबकि हमारा जन्मदिन परसों है। लेकिन कोई बात नहीं, 48 आवर्स पहले ही हमको विश कर दिया है, मतलब इतना उतावलापन। वैसे तो हमको कोई भी विश नहीं करता, अगर किया भी है तो बताइए 2 दिन पहले ही विश कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, अप्रिशिएट हम हर किसी को करते हैं। क्या है कि किसी ने अपना समय निकाल के जो है मैसेज टाइप किया है, और आप लोगों में से ही हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच हैं। और क्या कहते हैं, हम आ गए हैं आपकी रीडिंग करने। वैसे ये रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि हम आ गए हैं, अब आ ही गए हैं, हैं। वीडियो जब आपको दिख जाती है तो जाहिर सी बात हम प्रकट हुए हैं, और रीडिंग करने ही आए हैं, नाचने तो आए नहीं हैं, पार्टी करने थोड़ी आए हैं, रीडिंग ही करने आए हैं। और आप लोग हमको रीडिंग से ही जानते हैं, है ना। बताइए, पहले जो है इस चैनल की शुरुआत हुई थी हमारे फालतू वीडियो से। फालतू वीडियो, वो भी क्या दिन थे, हैं। 1.5-2 साल पहले हम फालतू वीडियो बनाया करते थे, अभी भी ये फालतू वीडियो ही है एक तरह से। आपको नहीं लगता फालतू नहीं है ये? अरे हम फालतू तो हमारे वीडियो भी फालतू ही हुए ना। तो जी अभी जो है हम रीडिंग करने आए हैं। अरे फिर से क्या बोल रहे हैं, सटिया गए हैं हम, आपको तो पता ही है। तो हाँ, रीडिंग कर लेते हैं। ये रहा टैरो डेक, ठीक है। और हमको ना आज पता नहीं क्यों हमको बड़ा मन कर रहा था पिकअप आई करने का। पता नहीं, एक्चुअली पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ मैसेजेस आपको ना पिकअप आई वगैरह का मतलब सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग देख सकते थे। लेकिन पिकअप आइल का फ़ायदा भी क्या है, लेकिन ज़्यादातर तो कलेक्टिव रीडिंग ही आती है, सेम आ जाती है, फिर हमको बोलना पड़ता है कि जाके 1 भी देख लो 2 भी देख लो। इतना टाइम थोड़ी है सबके पास। ये कलेक्टिविटी ठीक है भाई, सही कहते हैं आप लोग, कलेक्टिविटी ठीक है। खैर तो अब जो है हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए। अरे देखिए, कहीं नहीं चलना है, ठीक है। तो देखिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम जो भी कार्ड आएंगे वो नहीं लेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से इसको झपड़ कर लेते हैं। हालांकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमको दिखाई दिया है, लेकिन हम फिर भी, हमने आपको बोला था हम कार्ड लेंगे नहीं, हम झपड़ कर रहे हैं। तो पहले हम अच्छी तरीके से इसको शफल कर लेते हैं, हैं जी। तो अब हम रेडी हैं और अब हम कार्ड्स लेंगे, यानी जो भी आएंगे। तो देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी है भाई। वैसे हमको ऐसा लगता है नहीं, लगता नहीं है हमको ऐसा करने का, हीलिंग देने का। तो हीलिंग बोल ले लेते हैं, और आपको तो पता है। अरे 444 देखा हमने कैमरे पे। नहीं, हमको ना अमूमन एंजल नंबर्स देखने की खुशी नहीं होती है, लेकिन आज हुई है 444 देख के। पता नहीं किसकी ज़िंदगी में 4-4 वॉन्ड्स आ रहे हैं। स्टेबिलिटी है, सेटलमेंट,
एक पर्टिकुलर, अरे भाई कोई निपट जाएगा, मतलब नहीं निपट जाएगा मतलब सेटल हो जाएगा फाइनली। किसी की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है और हमको ना एकदम से जैसे हमने बोला ना, तो पता नहीं क्यों हमको एक वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, ही इज़ अ ब्रदर टू मी, अगर आप देख रहे हो ना दिनेश भाई, तो हमें आपका ख्याल आया है। जब हमने ये 444 देखा ना, हमको आपका ख्याल आया है। एनीवेज़, हमको तो बहुत सारे ख्याल आते हैं और सबके ही ख्याल आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली तो अगर आप देख रहे हैं तो माइट बी आपके लिए कुछ आ रहा हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। एवरीवन का मतलब है सारे लोगों को गॉड ब्लेस यू, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है हिंसा पना करें। हिंसा पना मतलब बंगाली में बोलते हैं हिंसुटे, डोंट बी बिकम हिंसुटे। अरे हमने 555 भी देखा, ट्रांसफॉर्मेशंस तो सबकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो सुनिएगा, मतलब जेलस मत होइएगा कि हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ही नाम क्यों लिया। अरे भाई उनका ख्याल आया हमको, हमारे दिमाग में, तो हम उनका ही नाम लेंगे ना। और वैसे भी जब हमको किसी और का नाम आएगा तो हम उसका भी नाम ले लेंगे। हमको कोई नाम लेने में कोई शर्म थोड़ी आती है, हम ले लेंगे तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है। हमको सबके नाम याद है भाई, जो कमेंट करते हैं सबके नाम याद है, और आपको पता है कि हम जो बोलते हैं वो है, मतलब आप ही लोग बोलते हैं कसम मत खाओ ये मत खाओ, तो नहीं खा रहे हैं। हमको नाम याद है मतलब याद है, समझे। तो अब हम दे रहे हैं आपको, नहीं नहीं ये कटोरी नहीं दे रहे हम आपको, ये नहीं नहीं मारने में हीलिंग। तो चलिए अभी हम आपको हीलिंग देते हैं, और हो सकता है हमको इससे भी कुछ पता चले। एक मिनट रुकिएगा, वन जीरो एट क्या है ये? अरे देखा आपने, जैसे ही हमने बोला 108 और लाइट चला गया। 108, अभी रुकिएगा, हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा रुक जाइए, हम जो है थोड़ा पर्दा खोल देते हैं, जिससे थोड़ा हमारा थोबड़ा दिखेगा, रोशनी भी आएगा, हैं। हाँ जी, तो देखिए आई होप हम आपको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो हमने जो है थोड़े खिड़की खोल दी है, जी जी दिखाई तो दे, और कितना देखना है भाई, वैसे भी हम इतने कोई भूर की परी थोड़ी हैं जो आप हमको देखना चाहेंगे। जैसा भी अंधेरा है सही अंधेरा कायम रहे, नहीं नहीं हम वो थोड़ी हैं, किलविश थोड़ी हैं। खैर क्या कह रहे थे, हाँ 108 और 1008 क्या ये? कुछ तो है, ये इंजन नंबर है, जाके इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। हमको ना 108 और 1008 दिखाई दिया है। एक तरह से हमको 108 का मीनिंग हम जितना जानते हैं उतना बताते हैं, दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर। यानी क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा ना, क्योंकि स्पेशली हिंदुओं में, हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों को, कहीं जाते हैं मतलब किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, किसी पवित्र स्थान में, वहाँ पे हम लोगों को अगर मंत्र चैंटिंग करने बोला जाता है तो 108 1008 बोलते हैं। आपने कभी सुना है कि भाई 121 बार एक, मतलब बोलते होंगे जैसा भी होगा, लेकिन 108 की ही माला होती है, ठीक है, जो मनका होती है, और 1008 की भी जो है उसको बोला जाता है कि 1008 बार जाप करना है, 108 बार जाप करना है। तो जो माला का जाप होता है, तो 108 एक एंजल नंबर है और एक ऑस्पिशियस नंबर है हमारे कल्चर में। और इसका एक महत्वपूर्ण ये है कि हम ये 108 जो है इसको करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और गॉड तक आवाज़ पहुंचती है। आप 10 बार 20 बार 30 बार करें वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना 108 या 1008 बार करने का वैल्यू होता है, ठीक है। हमको जितना पता है हमने उतना बताया आपको, ठीक है। तो सम हाउ हमको जो है 108 पता नहीं क्या इंजन नंबर दिखाई दिया। बाकी इसके बारे में अगर आपको और जानना है
तो आप गूगल कर सकते हैं जिससे आपको पता चले, एक सीक्रेट नंबर होता है, वेरी होली एंड वेरी ऑस्पिशियस नंबर। तो 108, अगर इस दौरान पे अगर आपको, अरे हमको दिख गया यार, नहीं 108 नहीं, 1008 हमको दिखा, 1008 somehow कैमरे पे दिखा, कुछ मीनिंगफुल होगा। ऑस्पिशियस है आप लोगों के लिए, बेसिकली हमको कहने का मतलब है एक ऑस्पिशियस टाइम, यू आर अट्रैक्टिंग एन ऑस्पिशियस टाइम, वेरी पवित्र समय। ये शुरू हो गया, तो पवित्र समय हमारा शुरू हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो हम वही आपको कह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग हो सकता है, जाके ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पता है या आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। आपको पता है ना कि हम भी आपसे कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, तो घबराइएगा मत, हमको ज़रूर सिखाइएगा, है हिचकिचाइएगा नहीं, हम सीख लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। ये हमको स्पेशली 108 और 1008 हमको उसमें आया, ठीक है। अब हम हीलिंग देते हैं आपको, और हीलिंग में जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। हो 11:11 अच्छे से ब्यूटिफुल एनर्जीज, जितना हमको समझ आया है हीलिंग से आज, आपके जीवन में कोई एक सीक्रेट, कुछ एक शायद आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी है कुछ ऐसा, लेकिन पीछे पीछे आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें हो रही थी, घटनाएं घट रही थी। नेगेटिव कुछ नहीं है, आपकी बेहतरी के लिए है, यूँ समझ लीजिए। सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ और सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट इज बीइंग रिवील्ड। सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट इज बीइंग रिवील्ड, मतलब कहने का मतलब है एक कुछ भी, मतलब जो आपने इस चीज का आपको नहीं मालूम था, लेकिन समवेयर यू वर ट्राइंग टू सर्च फॉर दिस सीक्रेट। आप जानना चाहते थे कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, किसी चीज़ को लेकर आपकी मेंटल क्लैरिटी, धुंध के बादल एग्जैक्टली, जो अगर हम हिंदी में आपको बताएं ना कि धुंध के जो बादल है ना वो छट रहे हैं, हीलिंग में ये दिखाई दिया है। बाकी तो हम कार्ड्स में देखेंगे अभी क्या है हीलिंग में, और ये मोस्ट प्रोबेबली गणपति के टाइम पे बोला हमने, जो जब गणपति जी आएंगे ना, यानी गणेश चतुर्थी का जो टाइम होता है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है सितंबर में, और ये गणपति अपने साथ लेके आ रहे हैं एक ट्रुथ आपके सामने, या ट्रुथ ही समझ लीजिए कि ये एक सच्चाई है जिससे अब तक शायद आप अंधेरे में थे, अवगत नहीं थे, तो फाइनली उस चीज़ पे रोशनी पड़ने वाली है, और आपको एक, अरे भाई आपको एक, हमेशा से आप एक अनुमान लगाते फिरते थे, आपको ठीक से पता नहीं था, तो फाइनली आपको एक कुछ, समथिंग इज़ अबाउट टू रिवील, समथिंग इज़ अबाउट टू एक्सपोज, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए है, और कहीं ना कहीं आप जानना चाहते थे कि क्या है इसके पीछे, मतलब क्या है, लाइक देयर इज़ अ सीक्रेट डोर
आप ही के घर में, मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप ही के घर में एक सीक्रेट सा तहखाना, गुप्त दरवाज़ा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हमने बोला ना कि समथिंग इज़ अबाउट टू गेट एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड, वाओ, और मेटाफोरिकली हमने बोला, बट समहाउ ये भी हो सकता है कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हीलिंग में बहुत स्ट्रॉन्गली हमें लगा है। और 108 1008, ठीक है, ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, कहीं पर भी आपको किसी के फ़ोन नंबर में या कहीं पे भी दिखता है अगर, ठीक है। बहुत ऑस्पिशियस वाली वाइब्स आ रही है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप फूले नहीं समाएंगे खुशी से, मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत बहुत आपको प्रसन्नता के, आपके कोई कोई आपके प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, आप ढूंढते फिरेंगे कि ठिकाना किधर है भाई। खैर, दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। दिस विल लीव यू स्पीचलेस, मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे अचानक से और आप सोचेंगे कि अरे लाइक अ मिरेकल, इसको बोलते हैं कि आप समझेंगे कि मिरेकल, और ये ना आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत, इट विल रिलीज़ यू फ्री, आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे इस चीज़, इस रेवलेशन से। अरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, लेकिन ये रेवलेशन बहुत ही, जैसा भी है भाई, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए ही हमने आपको बोला ही। तो हम तो रेडी है भाई कार्ड्स, क्योंकि आपको मालूम हम शफल कर चुके थे, तो जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट होती है उतनी लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा कृपया, ठीक है। पहला कार्ड आया है और एकदम ज़ोरदार तरीके से हमारे जिया के बनाए हुए कार्ड पे ऐसे झपाक से, मतलब वो मारा है, बोलते हैं ना कि एकदम तुरंत उस पर जाके गिरा है हमारा, ये हिल गया, मतलब सन की बुनियाद हिल गई, बताइए। लेकिन ये कार्ड हमें अट्रैक्ट, बहुत देर से ना हम इसी को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे तो हमारे सामने ही रहता है लेकिन हम इसको काफ़ी देर से देख रहे हैं। और द सन शाइन्स, क्या लिखा है भाई, हाँ, द सन ऑलवेज शाइन्स ब्राइट, नहीं, द सन ऑलवेज शाइन्स सो डू यू। और इसके अंदर हमने आपको बताया था कि उसने हमको ये लेटर लिख के दिया था टू मिनी मासी। वैसे हम आपको बताते हैं, अरे इतने अपनी हमारी बड़ी तारीफ की, आपको पता है ना ये इसने क्या लिखा था, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अरे बड़ा मन कर रहा है, सुनिए सुनिए, यू आर द बेस्ट मासी वन कुड एवर गेट, है सच में, अरे इतनी खुशी, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम हैप्पी फॉर यू, है किस बात के लिए भाई। बच्चे हैं कुछ भी लिखते हैं, मेक अस मोर प्राउड एंड कीप गोइंग एंड ग्रोइंग, है ओके, कोशिश करेंगे, नेवर लेट एनीबडी डल योर स्पार्कल, है लेकिन सब हमको बहुत डल करते हैं, बी योर सेल्फ, हाँ वो तो हम है ही, बी योर सेल्फ, हम आपको तो पता है हम तो ऐसे ही है, एंड कीप स्माइलिंग, है ये तो पता नहीं इसका भी, कांट वेट टू मेक मोर मेमोरीज विद यू, है ओके, ऑल योर हार्डवर्क एंड हर्डल्स विल पे ऑफ, बड़ा इमोशनल कर दिया हमको, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, ओके, एंड स्पेशल ग्रैटिट्यूड फॉर योर रीडिंग्स, ओके, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जिया, ओके। तो ये लिखा है, एनीवेज पहला कार्ड आया था द हाई प्रीस्टेस का, ठीक है। वैसे एक बात बताएं आपको, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, ये जो हमने बात बोली है ना वो गणपति में होके रहेगी, जिसका कार्ड है। दूसरा कार्ड एस ऑफ सोर्स, क्या बोला था, कुछ बादल कुछ, भाई हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं हीलिंग में, जब हम बोलते हैं ना हमको, आपकी मर्जी है, हमको चू समझिए, क्योंकि हमको जो हम भाई हमारे अपने हमको चू समझते हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए समझिए। लेकिन जब हमने बोला था हीलिंग बोल में तो ऐसे ही नहीं बोला था, तब तो हमने कार्ड्स आपको मालूम है झपड़ झपड़ भी नहीं किए थे। अभी देखो एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो हम एस ऑफ सोर्ड्स के आने का मतलब यही है कि ये कुछ ऐसा है और ये आप जानना चाहते थे, मतलब कहने का मतलब है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, क्या होता है, जैसे भी है,
आप ये जानना चाहते थे कि कुछ है, कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो फाइनली दया आ गई। ये माँ दया, दया ही है ना, वो किसी शो में आती थी ना, तारक मेहता में, हमने कभी नहीं देखा। एनीवेज तो हाँ, ये आपको आ रहा है मेंटल क्लैरिटी, इससे आपको धुंध बादल भी छट जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये सिर्फ किसी, मतलब ये कार्ड्स देख के ये मत समझिएगा कि भाई फीमेल्स के लिए रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है, ठीक है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों में हमेशा आदि शक्ति का वास रहता है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों आप में ही, हम में ही बसते हैं, ठीक है, हम मर्द भी हैं और हम औरत भी हैं, और आप भी। खैर जो भी है, तो ये क्लैरिटी आ रही है भाई, आप आगे देखते हैं। हमको ऐसा लग रहा है सन का कार्ड आएगा आज, सन आएगा। मेजर अरकाना की बात अगर करें ना, तो सन जस्टिस जजमेंट एम्प्रेस समहाउ लग रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, ये कंप्लीशन का कार्ड है भाई। मून का भी कार्ड आने का बहुत चांस है आज, क्योंकि हमने बोला ना कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो रिवील होने वाली हैं। एनीवे, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हमने आपको शुरुआत में बोला था कि आप फ्री हो जाएंगे, आप उस बर्डन से, किसी एक प्रकार की बर्डन या किसी चीज़ से आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है ये। अगर मान लीजिए कि एक वाकई में आपके घर में कोई गुप्त तहखाना या गुप्त सुरंग मिली, और उसको खोदने के बाद आपको उसमें पता चले कि उसमें बहुत सारा खजाना है, तो ऑब्वियसली आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हल तो हो जाएगा ना। तुमने बोला ना, आप रिलीज़ कर देंगे अपने बर्डन, बहुत सारा जो भार है ना उसका रिलीज़ आप कर देंगे। या फिर यह कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में आपको ठीक से पता नहीं है, लेकिन आपके माइंड में इसको लेके बहुत डाउट्स चलते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। ये कोई पर्सनल बात कर रहे हैं वहाँ से, आपकी रिलेशनशिप का भी कोई मामला हो सकता है जिसमें आपको ठीक से मेंटल क्लैरिटी नहीं है। फाइनली यू विल बी रिलीज्ड, मतलब एक कैद से आज़ादी, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति है भाई, ठीक है। और हमने आपको बोला कि ये आपको, देखो अब आपको बहुत लोगों को लेकर घबराहट होगी, ट्रिगर होंगे कि किस प्रकार का सीक्रेट है जो रिवील होने वाला है आपको। हमने बोला ना, यू विल बी स्पीचलेस, आपके पास कोई जवाब, मतलब आप ब्लैंक हो जाएंगे। लेकिन आपकी बेहतरी के लिए है ये, भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो होने वाला है ना वो आपकी बेहतरी के लिए है। तो लेट्स सी व्हाट इज, समझने वाले समझ गए होंगे, ट्रिगर करने के लिए नहीं बोलते हम, डराना नहीं है हमारा मकसद किसी को। जो रीडिंग में आएगा वो तो हम बोलेंगे ना, बताइए तो देखते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, और यहाँ पर आपको एक मून दिखाई दे रहा है। अंधेरे में किसी का दबे पाँव, किसी साजिश या षड्यंत्र का खुलासा होने वाला है। हमको ऐसी वाइब्स आई हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि ये कोई मेंटल क्लैरिटी, ये कोई ट्रुथ किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से हो, जो आपकी लाइफ में बहुत स्नीकी बिहेव करते हैं, बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज में रहते हैं, उनके किसी प्रकार के षड्यंत्र का पता चलने वाला है आपको, ये भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली आप आज़ाद हो जाएंगे फाइनली, आपको जब कुछ लोगों की चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप आज़ाद हो जाएंगे। मजिशन का कार्ड, ठीक, सेवन ऑफ सोर्ड्स के बाद डेफिनेटली कोई मैनिपुलेटिव पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी आपको जो है अपनी बातों में गोल मोल घुमाने की बड़ी कोशिशें की होंगी।
यहाँ पे पर्दाफाश हो रहा है किसी के इंटेंशंस का, इरादों का, जो भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी पर्सन है काफ़ी मनी माइंडेड है, ठीक है, और मतलब पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लिए। किसी की एनर्जीज तो आई हैं इस रीडिंग में, पैसा बहुत मायने रखता है, और आपसे अगर इनका कनेक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है, हमको ऐसा भी लगता है। हो सकता है कि आप काफ़ी यू नो वेल सेटल्ड हैं, आपका आपके पास इनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा धन है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये आपसे कनेक्टेड हैं और रहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, हम अब ऐसे बताने वाले थे कि अभी ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये वही सेम स्नीकी एनर्जीज हो, बट किसी की एनर्जीज में थोड़ा शिफ्ट आया है। दो पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में, ठीक है, माँ बाप, भाई बहन, कोई फैमिली का भी मेंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर पर्सन ही हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किसी की एनर्जीज में बहुत बदलाव आया है। जो पर्सन मनी माइंडेड थे, जो पर्सन हमेशा पैसा पैसा ही करते रहते थे, अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं और फीलिंग अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स यू। Somebody is feeling a lot of compassion. हमने बोला ही था दो दो प्राणी हैं यहाँ पे। King of Cups, दो दो प्राणी, King of Pentacles, King of Cups. अगर तो आपके पास कोई choice है कि दो दो लोगों में आपको choose करना है कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं life में, तो इसका भी आपको mental clarity इस गणपति में मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तीन तीन कार्ड नहीं लेंगे। फाइव ऑफ कप्स से आया था पता है, रिवर्स में। एनीवेज, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के बाद टेन ऑफ कप्स। भाई दो दो लोगों को आपसे, हाँ दो दो लोगों को आपसे, मतलब आपसे बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, दो लोग आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मजिशियन है, हाई प्रिस्टेस एफाइसिस एंड जेमिनी, दो मेजर अरकानास हैं। दो लोगों को आपसे बहुत अटैचमेंट हो रही है भाई, एक तो लिटरली प्यार से इतना भरे हुए हैं कि आप पे बहुत प्यार आ रहा है, प्यार लुटाना चाहते हैं, और एक तो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मैनिफेस्टेशंस का सहारा ले रहे हैं, लिटरली हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक तो लिटरली शादी के ख्याल देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। दो कार्ड एक साथ आ गए हैं, तीन कार्ड आए हैं, तीनों ने थोड़ा दिखा दिया, लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ कप्स का डिवाइन काउंटर पार्ट, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मौजूद है, साथ ही यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, तो हमने आपको बोला ही था कि आपके सेवन ऑफ सोर्ड्स के नीचे सेवन ऑफ कप्स, हर्मिट। हमने ये कल भी ऐसी एनर्जीज ग्रैप तो की थी कि जब आप आइसोलेट हैं, जब आप आइसोलेटेड हैं, जब आप किसी से डील नहीं करना चाहते, तब यहाँ पे दो दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बताइए। मतलब जब आप चाहते हैं किसी से, किसी को चाहते थे, मतलब जब आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोग आपसे अटैच हो रहे हैं, इनके चार्ट्स में अर्थ साइन और वाटर साइन बहुत डोमिनेंट है, तो अर्थ साइन में स्पेशली हमें लगता है कि वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है वर्गो, एंड किंग ऑफ कप्स है पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। आ
आगे देखते हैं। इनमें से किसी एक पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और अभी भी आपको एज अ साइड रोल की तरह आपको एक साइड में रखा हुआ है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है? तो ये कोई भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया वर्गो और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, हमने बोला था ना जस्टिस और जजमेंट का कार्ड बोला था शुरू में, मेजर अरकाना में ये आया है जजमेंट। ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड हमें पहले भी दिखाई दिया था, फाइनली आ गया है। ओके, यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आया, हमको देहम्बू दिखाई नहीं दिया, इधर ही गिरा हुआ था। ये टू ऑफ सोर्ड्स है। एक चीज़ तो तय है कि दिक्कत तो होने वाली है थोड़ा बहुत आप लोगों को चूज़ करने में, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए यहाँ पे कोई लड़ने मरने को तैयार है भाई। आप तैयारी देख रहे हैं, तैयारी किसी की बहुत अच्छे से तैयारी बिल्कुल तैयारी जीत की, यहाँ आपको जीतने का मामला है। मतलब लिटरली समबडी विल फाइट टू विन यू है यार। ऐसा क्या किया है कि आपके लिए लोग लड़ मर जाएंगे यहाँ पर? नहीं, लड़े मरना नहीं है भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें दिखाई दिया है। फाइव ऑफ कप्स में बार बार दिखाई दे रहा है, आया नहीं लेकिन झपड़ झपड़ के दौरान बहुत बार दिखाई दिया है। कोई तो प्राणी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इसकी एनर्जीज है भाई। और ऐसा क्या किया है आपने कि कोई आपको इतना मिस कर रहा है? लाइक लिटरली एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए किसी के बहुत ज़्यादा कोई साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही बता देते हैं। लाइक लिटरली यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटल चल रही है, तो डेफिनेटली यू नो, मोस्ट प्रोबेबली आप जानते हैं इन लोगों को। थ्री ऑफ कप्स है, दीज आर योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स, माइट बी कभी आप लोग दोस्त रहे हो या जो भी है, ठीक है। गॉड की तरफ से जजमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज जस्टिस, हमने बोल दिया था आपको, जस्टिस जजमेंट ये सब ये देख लो, ठीक है भाई। एक चीज़ तो तय है यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये दो प्राणी हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। और दोनों ऐसा बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन में है दोनों। आप किसको चूज़ करेंगे? बहुत जल्दी ऐसा मौका आने वाला है वेयर यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन चूजिंग बिटवीन दीज टू पीपल। लाइफ में कुछ ऐसा आपके आने वाला है जब आपको बड़ी दिक्कत होगी चूज़ करने में। और यहाँ पर भी जस्टिस वाले ही इसके हाथ में टैटू है, हमने बोला ना बैलेंसिंग में स्केल्स को। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, पहला कार्ड क्योंकि हाई प्रीस्टेस का आया था, आपको खुद पता होगा कौन आपके लिए सही है कौन गलत है। समवेयर यू विल बी एबल टू जज, यू विल बी एबल टू चूज, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। गलत चीज़ आपको भगवान जी चुनने देंगे ही नहीं। और भाई आप लोग अभी हर्मिट के मोड में हैं, ठीक है, आपके लेवल को मैच तो इन दोनों पर्सन ने किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, मोस्ट बैलेंस्ड पर्सनैलिटी अमंग द ऑल द किंग्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के तुलना में ये दोनों बहुत बैलेंस्ड होते हैं। तो आपने जितना विजडम गेन किया है इन्होंने भी उतना ही विजडम गेन किया है। जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड चीख चीख के ये बता रहा है कि इस समय ये दोनों आपके लेवल को मैच करने के लिए बहुत जद्दोजहद में हैं।
तो आई डोंट नो, देर इज़ अ चॉइस कमिंग सून. और मतलब आप एक टेस्ट होगा आपके फेथ का, आपके भरोसे का, और यू विल बी एबल टू मैनेज समहाउ. आप बैलेंस करने में बहुत बहुत आप इजीली चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे. लुक, यू आर स्टैंडिंग ऑन वन फीट, एक पैर पे खड़े हैं भाई, ऊपर से वो भी व्हील के ऊपर. तो ये जिमनास्टिक आपको ज़िंदगी में दिखाना है. जब ये दो लोग आएंगे ना, तब आप ऐसे भी किसी व्हील पे खड़े हो जाइएगा, ऐसे ही आपको देख के भाग देंगे, इसको क्या हुआ यार. एनीवेज, जस्टिस एंड समेटने के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपकी लाइफ में, हमने बोला ना गणपति में, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, मतलब जो चीज़, जो सिचुएशन यू आर अबाउट टू हैव इन योर लाइफ इज डेस्टिन्ड, इज फेटेड. तो क्या आप तैयार हैं? तैयार कर लो अपने आप को, मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आने वाला है समय. और वैसे भी परसों फ्राइडे है, और हमने आपको फ्राइडे तक भी कुछ बोला था ना, एक डेडलाइन दी थी कि कुछ, क्या बोला था वैसे, क्या होने वाला है फ्राइडे तक, हमको याद नहीं है. लेकिन हाँ, अभी जो बोला है वो गणपति तक है. तो गणपति में डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऐसे हम बिल्कुल भूत जैसे दिख रहे हैं क्या? क्यों यार, भूत नहीं लग रहे हैं आपको? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हमने कुछ पहना हुआ है, मास्क सा. तो कोई बात नहीं, क्या करें, ऐसा ही थोड़ा है हमारा. तो खुश रहिए, आवाज़ रहिए, हंस रहिए, ऐसा रहिए. डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन. ठीक है, हमारा आशीर्वाद भर भर के है. और थोड़ा समय दे दीजिए, वैसे आप देते ही हैं आशीर्वाद, और क्या बोलते हैं, हाँ दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और क्या बोलते हैं, हाँ रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, कर्मा टैरो @111@gmail, क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, हम भूल गए हैं. मतलब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे. तो हम चलते हैं, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना. तभी के लिए बस इतना ही, बाय.